I hope I'm still audible and visible also. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Well, at the outset, I'm thankful to my senior colleague, Professor Chandrasekhar Deteji, Honorable Director of UGCHRDC, Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. I'm very happy to extend my thanks to Dr. Lata Kapreji, who gave my extensive introduction, and my dear participants who have joined this faculty induction program of this university. Ma'am, before I proceed, let me know how many participants are there and from which states majority of them belong. Sir, majority of them are Ma'am, from I Maharashtra. One participant is say. from Patna University, and there are total 24 Okay. participants, sir. 24. Very good. Very good. Thank you very much. Because that will decide my mode of delivery, whether I have to Yes. go bilingual और इंग्लिश ओनली. ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पटना वाले पार्टिसिपेंट भी हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे. क्यों? जी सर, यस सर, आइदर मे आई नो हिंदी हु और इज देयर? इंग्लिश. हेलो. पटना के जो पार्टिसिपेंट है, एक पार्टिसिपेंट पटना से आपने कहा, वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होगी मुझे लगता है. यस सर, आइदर हिंदी और इंग्लिश. आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ मराठी. आपको आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन मराठी मैम, डेफिनेटली यस नॉट, सर, ओके. डेफिनेटली नॉट. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. चलो कोई बात नहीं, वी विल गो अहेड. डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली टू थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड. वन दैट वी वर फोर्स टू गो फॉर ऑनलाइन मोड इन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ लाइफ, चाहे वो फिर हमारा मार्केट जाना हो, टीचिंग लर्निंग हो, कुछ भी हो, हमें ऑनलाइन मोड में एक फोर्सेबली ढकल आ गया. और दूसरी बात ये थी कि अराउंड द सेम टाइम इन जुलाई 2020 द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस, इट वॉज ऑफर टू द नेशन ऑन 1 जुलाई 2020. देयरफॉर उससे आगे हम उस पॉलिसी को NEP 2020 कहने लगे, है ना. और उसके बाद हम देखा कि लगभग 2020 से लेकर आज लगभग 2.5 साल गुजर चुके हैं, और उस पे हमने NEP पे न जाने कितने हमने वेबिनार देखे हैं, सेमिनार अटेंड किए हैं, कुछ वर्कशॉप भी बने हैं. आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ पेपर लिखे होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा. और सिंस देन एक चीज हमें बार बार सुनने को मिलती थी, वो थी दिस इज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, इट इज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी मेड बाय इंडियन एंड फॉर द इंडियंस. प्रकार डेमोक्रेसी डिफाइन प्रकार को देखने लगे, द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी मेड बाय इंडियन एंड फॉर इंडियंस, इस प्रकार हमें बताया जाने लगा. अब सवाल ये बनता है कि इससे पहले जो भी दो तीन चार जो भी हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी आई थी आफ्टर 1947, जैसे कि हम जानते थे कि हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी 1948 में, जिसके चेयरपर्सन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे. दैट वाज द फर्स्ट, और उसको कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी. इट वॉज नॉट कॉल्ड कमीशन, इट वॉज कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी विच केम इन 1948. उसके बाद लगभग 10-15 साल गुजरने के बाद हमारे पास दूसरी पॉलिसी आई, एंड दैट वॉज नोन एज प्रोफेसर डीएस कोटारी कमीशन, शायद हमने इसको भी सुना होगा. उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए हमारे पास मुदलियार कमीशन आया था. उसके बाद 1986 में, आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 20 ईयर्स और मोर देन दैट, हमारे पास था प्लान ऑफ एक्शन इन 1986. और हम जानते हैं कि इस 1986 की पॉलिसी को
इम्प्लीमेंट करने में हमें 4-5 साल लगे थे, क्योंकि 86 में पॉलिसी आया, लेकिन मीन वाइल हमारे सेंटर के गवर्नमेंट में कुछ इंस्टेबिलिटी, वीपी सिंह साहब आ गए थे, फिर चंद्रशेखर साहब आ गए, फिर इलेक्शन 2-3 बार हुए, और फिर हमें फाइनली 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आ गई थी, और उसी दरमियान इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2006-07 में, आई होप आई एम ऑडिबल, और मैं कुछ लोगों को देखना चाहूंगा, एटलीस्ट वन, यस मैम इज हियर। सर काइंडली चेंज द स्लाइड, वी आर एट द सेम स्लाइड। यस 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 आई एम मूविंग, अभी तक मैंने उसको हिला ही नहीं, तो अपने आप तो नहीं हिलेगी। जी सर, आई एम प्रिपेयरिंग द बैकग्राउंड। और उसके बाद 2006-07 में हमारे पास नेशनल नॉलेज कमीशन आता है, आ जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन, विच केम इन 2006, एंड चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन वॉज सैम पित्रोता जी, शायद इस नाम को हम भली भांति जानते हैं, है ना, सैम पित्रोता जी। और उसमें जो रूसा वाला मैटर है, उसमें जो सेमिस्टर है, उसमें हर स्टेट में एक नेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन CBCS, ये सारी चीजें उसी नेशनल नॉलेज कमीशन की बात है, उसकी रिकमेंडेशन है। और उसके बाद 7-8 के बाद ये पॉलिसी आ जाती है 2020 में, और यहाँ कहने लगे और हम सुनने लगे कि दिस इज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। अब सवाल ये बनता है कि इससे पहले जो राधाकृष्णन जी थे, या फिर कोटारी साहब थे, या सैम पिट्रोदा जी थे, या उससे पहले एम जनार्दन रेड्डी थे, ये सारे इंडियन नहीं थे? डेफिनेटली दे वर इंडियन, एंड डेफिनेटली दोज पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर इंडियन एजुकेशन, ऑफकोर्स दे वेर इंडियन, बट स्टिल वी हैव टू एडमिट वन थिंग, फिर भी हमें एक बात को यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा कि स्टिल नाउ अप टू 2020 आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। इस बात को तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आदमी मेरे सामने रहे कैमरा खोल के, ताकि मुझे पता चले कि मैं किससे बात करूँ, अदरवाइज आई विल बी डिसकनेक्टेड एंड आई वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। और इन बिटवीन अगर कोई सवाल पूछता है तो भी आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। इस बात को मैं कह रहा था कि इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि अप टू 2020, मैं तो कहता हूँ कि आज तक की, क्योंकि अब तक ये नहीं, एनईपी 2020 पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो चुकी है, आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड के या ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे ही चलता है। उसका सिस्टम क्या था? अरे मैं इसमें एक बात को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 1857 में वो राइज हुआ था, हम में से कुछ लोग उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, 1857 में, है ना, मंगल सिंह एंड सो मेनी पीपल वेर देयर, और उसको बुरी तरह दबाया गया, उसको पूरी तरह क्रश किया गया, और फिर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने एक बात को समझा कि अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चलाया नहीं जा सकता, और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858 इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, 1858। और उस साल में एजुकेशन फील्ड में तीन चीजें घटित हो गई थी, और हम जानते हैं कि उसी साल 1858 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वेर एस्टैब्लिश्ड। मैं राइट? अगर मेरा साल गलत हो जाता तो प्लीज करेक्ट मी। और मैं एक रिक्वेस्ट आपको बार बार कर रहा हूँ, लेट मी से एटलीस्ट वन समवन विद मी, कम से कम एक एक पार्टिसिपेंट तो मुझे विजिबल चाहिए, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू फॉलो। कोई है? आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक, यस, मेरे ख्याल से नाज मैम इज विजिबल, ओके, नाउ आई विल टॉक टू हर। जो अगर कोई सामने नहीं दिखा तो किससे बात करेंगे, इशू आ जाता है। एनीवे, मैं कह रहा था कि इन 1858 थ्री यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेर एस्टैब्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और ये तीनों यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे बनाई गई थी। उसका मॉडल क्या था, एक सेंटर में यूनिवर्सिटी रहेगी और उसको बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड रहेगी, और वहाँ भी सीधा सीधा डिवीजन होगा फैकल्टी वाइज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड सो एंड सो फोर्थ। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में अगर आज की हम शिक्षा को देखते हैं, यू विल सी दैट नॉट मच हैज चेंज, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज देयर एंड सो मेनी एफिलेटिंग कॉलेजेस आर देयर, सो मेनी एफिलेटेड कॉलेजेस आर देयर, और आज भी हम देखते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस है। वन मिनट, मुझे फोन आए हैं, म्यूट कहाँ से करना पड़ेगा। Thank you. We are following the same system. आज भी हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है एंड सो ऑन। इस चीजों को हमने नहीं बदला है। Therefore, the policy makers of 2020 believe that we need to decolonize our education system. वो क्या क्या कहते हैं, उनका भरोसा क्या है, उनका बिलीव क्या है कि हमें हमारी शिक्षा को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड फॉर दैट, अगर मुझे कोई पूछता है कि इस पॉलिसी का वन लाइनर क्या है, वन लाइनर, एक लाइन में आप क्या कहना चाहोगे, तो आई वुड से दिस पॉलिसी अटेम्प्ट्स एट डीकोलोनाइजिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। अब डीकोलोनाइज करना है तो पहले क्या था, Now we have to see that. हमने एक नाम शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने या लगभग सारे लोगों ने सुना होगा, that is name of Lord Macaulay. अमरीन मैम, आप इस नाम को सुना है आपने, Lord Macaulay का नाम सुना होगा शायद हम में से सारे लोगों ने सुना होगा, है ना सर? Yes sir. Yes. Lord Macaulay was the person who played a key role in introducing the English education in India. And this took place around 1837 to 1840. ये बात कब की है, 1837 से 1840 के बीच की है। अब क्या था उससे पहले, क्या था, मैंने जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट या फिर हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस बात को भली बात ही जानते होंगे कि 1858 के पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। प्लीज रिमेम्बर, Before 1858, there was the rule of East India Company, and after 1858 to 1947, there was the rule of British Empire. उससे पहले कंपनी के लोग थे, उसके बाद हमारे यहाँ कौन आ गया, फिर हमारे यहाँ क्वीन विक्टोरिया रानी का हमारे साथ राज शुरू हो गया, और उसके फिर लॉर्ड क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सारी चीजें वहां आने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में एजुकेशन के हालात क्या थे, आपको मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि वो टाइम में अराउंड 1835-36 ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू स्पेंड रुपीज 1 लाख फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब आज 1 लाख हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि लगभग 200 साल पहले और उससे भी ज्यादा वक्त पहले 1 लाख रुपये कंपनी इंडिया की शिक्षा पे खर्च करती थी, और वो पैसा किसे देते थे, जो संस्कृत पाठशालाएं चलती थी और जो मदरसे चलते थे उसके लिए ये पैसा आरक्षित किया जाता था। अब लॉर्ड मैकाले के अंडर एक कमिटी बनाई गई और लॉर्ड मैकाले इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई हम उन पे पैसा क्यों पैसा खर्च करें, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे ना हमारे कुछ काम के हैं, ना मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हमारे कुछ काम के, और हमें तो इस बहुत बड़े कंट्री को हमें रूल करना है,
हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी बात को सुने, हमारे सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करे, हमारे सुपेरियरिटी को एक्सेप्ट करे। ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। और फिर उसने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाया, जिसका एक पर्पज था, हालांकि मैंने यहाँ एक वो मेरे मतलब ये पिक्चर मेरे पास नहीं है अभी इस स्लाइड में, वो कहता है कि हिंदुस्तान में आने से पहले मेरा हिंदुस्तान का परसेप्शन बिल्कुल अलग था। और आपको भी शायद पता होगा कि हम कभी कभी हम बहुत गर्व के साथ कहते कि हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया था, कभी हम विश्व गुरु थे, आज भी इस वर्ड को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, दैट वॉज ओके, बट अप टू व्हेन, कब तक था ये? लगभग 10th सेंचुरी तक ये बात सही थी, लगभग 10th सेंचुरी तक। हमारे पास स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटीज थे, बहुत सारी चीजें थे, नालंदा, तक्षशिला एंड सो मेनी थिंग्स वेयर देयर। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 10th सेंचुरी एडी, आफ्टर 10th सेंचुरी द थिंग्स बिगैन टू वर्सन, चीजें हमारे यहाँ बस से बदतर होने लगी। और वेस्टर्न कंट्री में इंडिया का परसेप्शन ये था, इंडिया की में ये थी कि ये क्या है, ये भिखारियों का देश है, ये चोरों का देश है, ये साधुओं का देश है, ये सपेरों का देश है। दिस वॉज द परसेप्शन ऑफ इंडिया फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन लॉर्ड मेकॉल इंडिया आ जाता है और वो इंडिया को ट्रैवल करता है पूरा, और वो कहता है कि नहीं, मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है, और वो कहता है कि मैंने एक भी भिखारी यहाँ नहीं पाया है, एक भी चोर नहीं पाया है, उसके विपरीत मुझे यहाँ बहुत ही टैलेंटेड लोग मिलते हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है, और अब उनकी रीढ़ की हड्डी, उनका बेस कहाँ है, उनकी शिक्षा नीति में है। वो कहता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टाइम का, वो बहुत स्ट्रांग है, और जब तक हम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम इसकी शिक्षा नीति को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश पे राज नहीं कर सकते। और वो कहता है कि अब हमें ऐसी शिक्षा नीतियां लानी चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए जो शिक्षा इन्हें ये बताए, इस पर भरोसा करने पर मजबूर करे कि जो भी वेस्टर्न है, जो भी फॉरेन है वो अच्छा है, और जो भी उनका खुद का है, इंडियन है, वो सेकंड स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए, और उसी डिजाइन को लेकर, प्लीज रिमेम्बर, उसी इंटेंशन को लेकर हिंदुस्तान में अराउंड 1840 द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। और बिलीव मी, इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि आज भी हमारा मेंटल मेकअप वही है। अगर कुछ इंडिया का है तो हम समझते हैं कुछ अच्छा नहीं है ज्यादा, लेकिन कोई कोई मुझे बोलता है कि ये इंग्लैंड मेड है, इंग्लिश या पेरिस मेड है या जापान मेड है, तो हम कहते हैं अच्छा है, सॉरी, और इंडिया मेड है तो हम कहते कि इसको अच्छा नहीं। मतलब क्या हो गया, हुआ ये कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंग्लिश एजुकेशन की, देवर प्रोडक्ट ऑफ आइदर डायरेक्ट इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन। जैसे कि मैंने कई बार हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के पहले लोग हैं, लेना चाहूंगा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेना चाहूंगा, मैं डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेना चाहूंगा, और लोगों के अब शिक्षा इंग्लैंड में हुई, गांधी वॉज बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, जवाहरलाल नेहरू वॉज बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, इवन हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने भी उनकी बहुत सारी शिक्षा इंग्लैंड में और अमेरिका में ली है। तो ये सारे लोग उसी शिक्षा के प्रोडक्ट थे, इसलिए हमारी शिक्षा नीति पे या हमारे सोसाइटी पे इंग्लिश एजुकेशन का प्रभाव रहना लगभग लाजमी था, लगभग लाजमी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ओवरनाइट उसमें चेंज होना नहीं था। दूसरी एक बात इसमें हो गई कि ये सारे लोग जो इंग्लिश एजुकेशन लेकर आए थे, वो चाहते थे कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार बने, क्योंकि एक बात तो हमें स्वीकारना पड़ेगा, हमारा सोशल स्ट्रक्चर उस टाइम में कुछ खास अच्छा नहीं था। छूत अछूत, शिक्षा का सारे लोगों को मतलब अधिकार नहीं था, विमेन को कुछ अधिकार नहीं थे, मतलब सो मच इनइक्वालिटी वर देयर, सो मेनी थिंग्स वेयर देयर। इसलिए
ये लोग चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के सोशल सिस्टम में कुछ बदलाव। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अगर हम हिंदुस्तान के किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का अगर नाम लेना चाहते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट मतलब जिसका नाम है, जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है, आप में से शायद मैडम ने तो नाम सुना होगा, फर्ग्यूसन कॉलेज जानते हैं ना मैम आप, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, वो कॉलेज का नाम है लेकिन उसकी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड लेट मी टेल यू सॉरी इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन पीपल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। प्लीज रिमेंबर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन पीपल लाइक आगरकर एंड तिलक विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। साथ ही साथ कलकत्ता का एक प्रेसिडेंसी कॉलेज है, उसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने एक ब्रिटिश अधिकारी के साथ की थी। और हमारे टाइम और उस वक्त में जितने भी हमारे पास कॉलेजेस वगैरह बने वो सारे ब्रिटिश ऑफिसर की हेल्प से बने थे। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, हम वो लॉ को तो जानते हैं, लॉर्ड बेंटिक ने लाया था लॉ अगेंस्ट द कस्टम ऑफ सती, आप जानते हैं ना, सती प्रथा के विरुद्ध एक लॉ लाया गया था। यस सर। लॉर्ड बेंटिक ने वो लॉ को लाया था लेकिन प्लीज रिमेम्बर, उस लॉ को लाने के लिए आग्रह करने वाले, जीत पकड़ने वाले इंडियन लोग थे। प्लीज रिमेम्बर, उन्होंने अपने ओर से ये लॉ नहीं लाया था। कहने की बात मेरी ये थी, एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश शिक्षा की वकालत करता था और जो भी हमारा यहाँ का है उसको वो सेकेंडरी समझता था। अब इस इन्फ्लुएंस को निकालने का मिशन इस पॉलिसी में है। नाउ लेट मी सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ एनईपी 2020। नाउ अब हमें एक एक गोल को समझना पड़ेगा और दीज आर द वेज विद विच दिस पॉलिसी प्लान टू डीकॉलोनाइज आवर एजुकेशन सिस्टम। अब एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एम्बिशियस गोल क्या है यहाँ, टू इंक्रीज जीईआर ऑफ इंडिया फ्रॉम 27.3 टू 50% बाय 2035। एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है हमारे सामने आज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जीआर के बारे में जानते होंगे, जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और हमारा उच्च शिक्षा का जीईआर एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2020-21, हम सारे लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काम करते हैं, हमने AISHE का नाम तो सुना होगा, AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। प्लीज रिमेम्बर, इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, AISHE, ये सर्वे है हमारे उच्च शिक्षा का। ये सर्वे हमें बताता है कि हमारे पास कितने यूनिवर्सिटीज है, कितने कॉलेजेस हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उनका सब कैटेगराइजेशन क्या है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में होती है। और ये रिपोर्ट बनाता है हमारा उच्च शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। आई रिपीट, एवरी ईयर दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ आवर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और उसके रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट अभी आई है 2020-21 का रिपोर्ट आया है, और वो कहता है कि हमारा जीईआर, उच्च शिक्षा का जीईआर हमारा 27.3 है। अब ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला क्या है, प्लीज रिमेम्बर, हमारे हिंदुस्तान की आबादी का जितना हिस्सा 18 से 23 साल इस उम्र में आता है, इस एज ग्रुप में आता है, उसमें से कितने प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा में आते हैं उस पे हमारा जीईआर डिफाइन होता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, आई विल रिपीट इट।
डिस्टर्बेंस नहीं है, ओके। हाउ द जी आर इज डिफाइंड, हाउ डू वी कम और हाउ डू वी अराइव एट द जी आर, हम इसको कैसे निकालते हैं। प्लीज रिमेम्बर, हमारी जितनी भी आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें से 18 से 23 इस एज ग्रुप में जितनी भी पॉपुलेशन आती है, उस पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन हमारी उच्च शिक्षा में आती है, दैट इज अवर जी ई आर। एंड एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, अवर जी ई आर इज 27.3। और अगर मैं इसको फिगर में कहना चाहूं तो लगभग 4 करोड़ 13 लाख, लगभग 4 करोड़ 13 लाख हमारे बच्चे और बच्चियां उच्च शिक्षा में हैं। अभी कितने हैं? 4 करोड़, एंड परसेंटेज इज 27.3। अभी पॉलिसी चाहती है कि 2035 तक उसको 50% बनाना है। प्लीज रिमेंबर नाउ हाउ एम्बिशियस दिस इज। हालांकि मैं आगे कहना चाहता था, हमारे पास 1113 यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 43,000 कॉलेजेस हैं, उन सारों को मिलाकर अभी तक हम सिर्फ 27.3 तक पहुंचे हैं पिछले 75 सालों में। और ये पॉलिसी कहती है कि बचे हुए लगभग कितने सालों में, 12-13 सालों में हमें इस जीआर को ऑलमोस्ट डबल करना है, इसका एक मिशन है। वो कैसे करना चाहती है ये, देयर आर सम वेज। उनका एक फार्मूला ये है, उनकी एक मतलब उनका मैकेनिज्म ये है, वो चाहते हैं कि हर जिले में एक ऐसा आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें सारे फैकल्टीज हो, उसमें मल्टी फैकल्टीज हो, और उसकी एनरोलमेंट कम से कम 3,000 होनी चाहिए हर जिले में। प्लीज रिमेम्बर, ये पॉलिसी कहती है कि हर जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसका एनरोलमेंट, जिसकी एडमिशन कम से कम 3,000। प्लीज रिमेम्बर, आज हमें बहुत ऐसे जिले हैं जहां ये 3,000 एनरोलमेंट हुआ नहीं है। प्लीज रिमेम्बर, मुझे नहीं समझता कि अगर हम गढ़चिरौली में जाते हैं और कोई भी एक बड़ा कॉलेज लेते हैं तो भी वहां हमें 3,000 जाते हैं, या फिर नंदुरबार जाते हैं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ऐसे शहरों में हमें 3,000 एनरोलमेंट वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉलिसी चाहिए। दूसरी बात कहती है, ये पॉलिसी कहती है कि सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस शैल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। इस बात को हम आपने कई बार सुना होगा, जितने भी हमारे पास सिंगल फैकल्टी कॉलेज है, सिंगल फैकल्टी मतलब क्या, हम जानते हैं कि हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट, इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये सारे सिंगल फैकल्टी रन करते हैं। और हम तो जानते हैं कि हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले कॉलेजेस ज्यादा है, ओनली वन फैकल्टी इज रन देयर। ये पॉलिसी चाहती है कि हमारे सारे कॉलेजेस बाय 2040 मस्ट बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी। और मैं आपको आगे कहना चाहता था, लेकिन लेट मी टेल यू, हमारे पास लगभग आउट ऑफ 43,000 कॉलेजेस, 43,796 कुछ तो भी फिगर है, उसमें से हमारे पास अभी तक 32% कॉलेजेस आर सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस, मतलब वहां सिर्फ एक ही फैकल्टी के बच्चे शिक्षा पा सकते हैं। और ये पॉलिसी कहती है कि हम सारे कॉलेजेस को मल्टी फैकल्टी बनाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी फॉर डिसएडवांटेज एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, अब नए यूनिवर्सिटी बनेगी, नए नए इलाके में यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां जहां हमारा जी आर कम है वहां बनेगी। अब कैसे बनी वो भी आगे जाके देख लेंगे। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, पिछले अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, और मैं यहाँ बिहार से भी एक पार्टिसिपेंट है, और बिहार का पार्टिसिपेंट भी यहाँ मुझे मेरे ख्याल से अग्री करेगा कि पिछले 5 सालों में या पिछले 8 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं नहीं बनी है और महाराष्ट्र में भी नहीं बनी है। खपरे मैडम को शायद याद होगा, सॉरी, यस सर यू आर राइट, यस। और मैं महाराष्ट्र की भी बात करूं तो महाराष्ट्र में भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास सोलापुर की बनी है, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। प्लीज रिमेम्बर, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, 2-4 शायद यूपी में बनी होगी इलेक्शन के टाइम में, बाद में नहीं कुछ हुआ। तीसरी बात, कॉलेजेस विल हैव ऑप्शन टू रन ओडीएल कोर्सेस एंड ऑनलाइन कोर्सेस,
आपको थोड़ा सा हमेशा पढ़ना पड़ेगा। ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग, प्लीज रिमेम्बर ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग। अब आप कहोगे कि हमारे पास यशवंतराव चव्हाण मुक्त यूनिवर्सिटी का हमारे पास सेंटर है, लेकिन वो उनके खुद के कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि नहीं, अब आपको आप ही की यूनिवर्सिटी के कोर्सेज रेगुलर मोड में भी चलाने पड़ेंगे और डिस्टेंस मोड में भी चलाने पड़ेगी। अब हालांकि उसकी कुछ पॉलिसी बनी है, सारे कॉलेजेस को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। एट द सेम टाइम प्लीज रिमेम्बर एट द सेम टाइम देर विल बी सम कोर्सेज इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो, जैसे कि अभी हमने सीबीसी के बारे में सुना है, अभी हमने एबीसी के बारे में सुना है, अभी हमने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में सुना है। उसमें हमने देखा है कि अब कोई भी बच्चा उसके टोटल क्रेडिट में से 40% क्रेडिट्स वो ऑनलाइन मोड में ले सकता है, उसको भी मार के देखेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप्स बाय प्राइवेट एंड फिलंथ्रोपिस्ट, ये भी बात कहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे शिक्षा में इसलिए नहीं आ पाते, उनके पास उनके पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेस है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 75 सालों के बाद भी हम आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारा बहुत बड़ा तबका आज भी शिक्षा के बाहर है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे 27.3 हमारे जीआर है, और उसका 100% कितना होगा, फिर लगभग 3 times मोर देन दैट। अगर अगर आज हमारे उच्च शिक्षा में 4,13,00,000 बच्चे हैं, तो उसका 100% कितना होगा, फिर लगभग 13-14 करोड़ बच्चे होगी। मान लीजिए, आज समझ लीजिए कि लगभग आज 10 करोड़ बच्चे हमारे उच्च शिक्षा के बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? ड्रॉप आउट है, फैसिलिटीज नहीं है शिक्षा की, उनके पास पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं, इन सारे कारणों से ये इतने सारे बच्चे, प्लीज रिमेम्बर ये छोटा तबका नहीं है। अगर इस पॉपुलेशन के हिसाब से मैं अगर जाऊं तो हमारे पास लगभग 15 करोड़ बच्चे 18 to 23 के एज ग्रुप में आते हैं। हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन में से प्लीज रिमेम्बर लगभग 15 करोड़ बच्चे हमारे 18 to 23 इस एज ग्रुप में आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ हम 4,13,00,000 बच्चे तक पहुंच पाए हैं। इसका मतलब लगभग 10 करोड़ बच्चे उसके बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? साधनों की कमी है, गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर सकती, इसलिए ये पॉलिसी चाहती है कि अब प्राइवेट पार्टनर को भी हम साथ में लेंगे, अब कारपोरेट हाउसेस आएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे, और जो ऐसे भी कुछ लोग देखेंगे हम, जिसको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं, हम इसको मराठी में परोपकारी कहते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करने वाले लोग, उनको भी शिक्षा में हमें लाना है, उनको भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाना है, और जिनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, फेलोशिप दी जाएगी, और उसके कारण बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आप हमें पूछोगे कि भाई आज नहीं है क्या? बिल्कुल है, आज टाटा बहुत सारा स्कॉलरशिप देता है, आज राजीव प्रेमजी फाउंडेशन बहुत सारा स्कॉलरशिप देता है, और 2-4 नाम ऐसे हैं जो जो हमें कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। सबसे बड़ा नाम तो टाटा का है, लेकिन सिर्फ 4 या 5 हमारे साथ, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पास। तो ये पॉलिसी चाहती है कि इन सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे, और इन बच्चों को सामने लाने के लिए स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। दैट इज वन। सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने कहा, एनकरेजिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद हाई पब्लिक कमिटमेंट। अब ये थोड़ा सा सोचने लायक कर, हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। व्हाट? एनकरेजिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद हाई पब्लिक कमिटमेंट। जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की कमिटमेंट हाई है, किस दिशा में? लोक कल्याण की दिशा में और लोक विकास की दिशा में। अब ये तो मुश्किल है, प्राइवेट वाले हैं तो वो तो पैसा बनाना चाहेंगे। अब आप नागपुर में हैं तो आप जानते हो कि नागपुर रीजन में लगभग 5 या 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, है ना। हमारे पास दत्ता मय के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हमारे पास सिम्बायोसिस है, और बहुत सारे हैं। ऑफकोर्स सम ऑफ देम प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, आई अग्री टू दैट, लेकिन उनका प्राइम पर्पस क्या दिखाई देता है? मतलब सरफेशियली तो क्या दिखाई देता है कि दे वॉन्ट टू मेक मनी, है ना, दे वॉन्ट टू मेक मनी और दे मेड मनी।
लेकिन ये पॉलिसी कहती कि नहीं, इनको भी हमें साथ लाना है। इन सिंपल भाषा में, इन टाइम टू कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू ग्रो इन हाई नंबर, प्लीज रिमेंबर। हालांकि मैं आपको आगे बताने वाला था, हमारे हिंदुस्तान में आज 1113 यूनिवर्सिटीज है, उसमें से सिर्फ 2035 सेंट्रल के हैं, 422 स्टेट के हैं और 456 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्लीज रिमेम्बर। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आगे उनका किसका नंबर है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है, 456 है, प्लीज रिमेम्बर। और आने वाले समय में वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। आखिरी बात, मोर कॉलेजेस विल बी एस्टेब्लिश इन अंडर सर्व रीजन, जहां जहां कॉलेजेस नहीं है, जहां जहां फैसिलिटी नहीं है, वहां भी कॉलेजेस बनेंगे। और लास्ट में, एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस। अभी इस बात को हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है एजुकेशन में, ड्रॉप आउट या फिर परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि अब अगर हम फर्स्ट ईयर में हमारे पास अगर 100 बच्चे हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर में 50 या 40 ही बच्चे, उसमें से बहुत सारे फेल हो जाएंगे। अगर हम उसके उस रिजल्ट का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, जनरल इंग्लिश या कंपस इंग्लिश में, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉलिसी चाहती कि नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि सारी उच्च शिक्षा हम लोकल लैंग्वेज में देंगे, रीजनल लैंग्वेज में देंगे। और लेट मी टेल यू, आप शायद आपका कोई सवाल हो सकता है कि अब हम इंजीनियरिंग कैसे पढ़ाएंगे हिंदी में या मराठी में, या फिर मेडिसिन कैसे पढ़ाएंगे, प्लीज लेट मी टेल यू, इस पे काम शुरू हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने करिकुलम या अपनी किताबें रीजनल लैंग्वेज में लाना शुरू किया है, प्लीज रिमेम्बर, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन। अब दूसरा दूसरा गोल क्या है इसका, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। एक बात समझ लीजिए, मैं ये समझ के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो 24 लोग हैं, आप 24 लोगों में से लगभग सारे लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है, प्लीज लिसन टू दिस सेशन केयरफुली एंड देन रीड इट। जो पूरा इस सेशन को सुनने के बाद उसको पढ़ती है तो उसको समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। एक बात, हमारे बहुत सारे शिक्षाविद कहते हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई हमारे अच्छी शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं होती, हमारे यूनिवर्सिटी अच्छा क्यों काम नहीं कर पाती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में शिक्षा और कम काम होता है और एफिलिएशन पे ज्यादा काम होता है। और हमारी यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड कॉलेज के बोझ के तले दबी जा रही है। अगर हमारे डेटा साहब मेरे साथ है अभी यहाँ, तो यू विल एग्री मी दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से अभी महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, इवन गढ़चिरौली बनने के बाद भी। और ये पिक्चर मतलब यूनिवर्सिटीज का एक ही काम बना है, एक ही काम बचा है, क्या इन कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, इनके एग्जाम लेना और इनको सर्टिफिकेट देना, जस्ट डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर यूनिवर्सिटीज है। इस बात को इस पॉलिसी ने समझा है और ये पॉलिसी कहते हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि अब हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी बनेगा, एक्सेप्ट इसमें सिर्फ दो सेक्शन को छोड़ा गया है, दो फील्ड को छोड़ा गया है। मेरा आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, प्रसाद जी कह रहे थे। अब देखते क्या हो सकता है, आई विल ट्राई टू गो स्लो। ये पॉलिसी कहती है कि हमारा कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी बननी चाहिए। अब कहोगी कि कॉलेज तो बना ठीक, मेरे ख्याल से खबरें मैम मेरे सामने,
हम जानते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास चार पांच प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। अब नागपुर यूनिवर्सिटी है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चलाती है, आपके पास रामटेक में संस्कृत है, आपके पास अकोला में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल कोर्सेज चलाती है ना। Am I right? अभी हमारे रायगढ़ में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ टेक्निकल कोर्स चलाती है। आप अगर इस पॉलिसी को हम स्प्रिट में लेकर काम करना चाहेंगे तो ये सारी यूनिवर्सिटीज अब मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएगी। आप यहाँ से आगे शायद ऐसा होने की संभावना है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्रीकल्चरल कोर्सेज नहीं चलाएगी, उसमें कुछ कोर्सेज हो सकता है कि इंजीनियरिंग के भी हो सकता है कि कुछ हमारे ह्यूमैनिटीज के हो, सोशल साइंस के हो। इसका उद्देश्य क्या है? अभी जो हमारे जो 17-18 7-8 यूनिवर्सिटीज है, हमारे नागपुर है, औरंगाबाद है, अमरावती है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, पूना है, मुंबई है, जलगांव है, इस पे जो एप्लीकेशन का लोड है वो बहुत ज्यादा है। आप डेटे साहब शायद मेरे साथ है और खबरें मैम भी हैं, आपके रामटेक में जो यूनिवर्सिटी है, कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी नागपुर, मैडम इनके एफिलेटेड कॉलेज की संख्या ऑल ओवर महाराष्ट्र 100 से ज्यादा नहीं है। उसका पूरा कार्यक्षेत्र कितना है? पूरा महाराष्ट्र है उसका कार्यक्षेत्र, प्लीज रिमेम्बर। अभी नागपुर का क्या है, 2-3 जिलों तक सीमित होगा, है ना। हो सकता है कि भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा, ये 4 ही जिले मेरे ख्याल से नागपुर में, हो सकता है और एक आधा होगा, इन 4 ही जिलों तक सीमित है। लेकिन जो कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक की है, उसका एरिया ऑफ वर्क, उसका कैचमेंट एरिया पूरा महाराष्ट्र है, उसके बावजूद भी उनके कॉलेज की संख्या 100 से ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं। हमारे पास जो रायगढ़ में लोनेरे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये पॉलिसी चाहते नहीं, आप मान लीजिए कि आपका रामटेक यूनिवर्सिटी मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाता है तो संभव है कि नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस उसको एफिलेट किए जाएंगे। अगर अकोला की पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाती है तो हो सकता है कि अमरावती यूनिवर्सिटी के अंडर जो एक्स्ट्रा कॉलेजेस का लोड है वो हो सकता है वो अकोला को दिया जाएगा। एंड सो एंड सो, सो एंड सो, ये हर जगह होने जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, एप्लीकेशन का लोड कम हो जाएगा। दूसरी बात, फेजिंग आउट ऑफ एफिलेटेड कॉलेजेस टू एडीजीसी और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस विद 1 मिनट विद इन 15 ईयर्स। अब दूसरी एक बात, अब ये पॉलिसी क्या चाहती है कि अभी जो हमारे पास एफिलेटेड कॉलेजेस है उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सारे के सारे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप नागपुर में जाती तो नागपुर का गवर्नमेंट कॉलेज होगा, या फिर वानखेड़े कॉलेज होगा, या फिर अम्बेडकर कॉलेज होगा, सो मेनी कॉलेजेस आर देयर, दे आर वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि अमरावती का विद्या भारती का कॉलेज होगा, या फिर नांदेड़ में हो सकता है कि यशवंत कॉलेज होगा, या औरंगाबाद में हो सकता है कि सरस्वती भवन होगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास जो अच्छा काम करते हैं। अब ये पॉलिसी चाहती है कि ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनका नैक का ग्रेड भी अच्छा है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, उन कॉलेजेस को पहले एडीजीसी का स्टेटस दिया जाएगा। एडीजीसी, एटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, व्हाट इज दिस एडीजीसी कॉलेजेस, पहले फेज में ऐसे अच्छे कॉलेजेस को हम एडीजीसी का स्टेटस दे देंगे। द पॉलिसी प्लान टू अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ एडीजीसी, आई एम रिपीटिंग इट, एटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, पहले उनको एडीजीसी बनाया जाएगा और फिर आने वाले समय में उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि अभी जो अच्छे कॉलेज भी आपकी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वेदर लाइक और नॉट, कभी कभी कॉलेजेस की दिक्कत ये हो जाती है कि दे आर नॉट हैप्पी विद यूनिवर्सिटी सिस्टम, कई बार ऐसा होता है। अब यूनिवर्सिटी ने करिकुलम दिया है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा,
यूनिवर्सिटी ये सिस्टम फॉलो करती है तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर बाउंड टू देम, वी आर टैक्ड टू देम, हमको उनके साथ बांधा गया है ना, उनको फॉलो करना है। लेकिन ये पॉलिसी उनको कुछ आजाद करने के रास्ते देती है, उनको एफिलेटिंग सिस्टम से आजाद होने के रास्ते देती है, ताकि वो आने वाले समय में वो कॉलेजेस एक अपने आप में यूनिवर्सिटी बने। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। जैसे कि हम मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी वो टाइम के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे चलती है, मतलब एक यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड फैकल्टीज, सो मेनी फैकल्टीज, लेकिन एक फैकल्टी का बच्चा दूसरे फैकल्टी का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, दैट इज अ फैक्ट। उसके कारण हो क्या जाता है, अगर बच्चा मान लीजिए साइंस कर रहा है, बीएससी कर रहा है, वो ना पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ जानता है, ना वैल्यू एजुकेशन के बारे में जानता है, ना लिटरेचर के बारे में जानता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अपना करिकुलम मतलब करियर बनाता है, या बैचलर डिग्री लेता है या मास्टर डिग्री लेता है, तो उसको कंपनी लॉ मालूम नहीं है। हम मैडम एक बात मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कॉमर्स फैकल्टी के हो, लेकिन बहुत सारे लोग कॉमर्स एंड सॉरी आर्ट्स एंड साइंस के होंगे। आर्ट्स और साइंस के टीचर लोगों को इनकम टैक्स फाइल कैसे करते हैं मालूम नहीं है, आज भी हमें सीए के पास जाना पड़ता है, इजंट इट, और ये बहुत आसान है, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, हमें उस प्रकार की शिक्षा मिली ही नहीं। बहुत सिंपल चीज है ये, मतलब हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इतने मतलब बिजी हो गए कि हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक ही ट्रैक बना रहा, एक ही सिंगल फैकल्टी हम चले गए, हमें हमारी जरूरत की चीजें भी हमें मालूम नहीं हुई या हम नहीं कर पाए। अब कॉमर्स के लोग, हो सकता है कि उनको मालूम हो कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसके अलग अलग एक्ट क्या है, उसके प्रोविजन क्या है, कहाँ कौन सी रियायत मिलती है, एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है, मेडिकल पॉलिसी क्या होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमारे साइंस के और आर्ट्स के टीचर नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, हमें उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिली। लेकिन आने वाले समय में ये पॉलिसी चाहती है कि अगर कोई बच्चा उसके उसके चॉइस के हिसाब से अगर कुछ उसके उसके डिसिप्लिन के बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकता है। सो दैट इज मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब वो करना कैसा है, अब उसके दो चार रास्ते। एक बात जैसे मैंने शुरू में कहा, इस पॉलिसी का वन लाइनर है, एक लाइन में अगर बताना चाहूँ तो आज की शिक्षा नीति को उनको डीकॉलोनाइज करना है। हम बहुत कॉलोनाइज हैं, हमें उसको डीकॉलोनाइज करना है। डीकॉलोनाइज करना है मतलब क्या, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा है, हमें उसको हटाना है, उसके बदले में क्या लाना है। तो फिर उसके बदले में हमें हमारे यूनिवर्सिटीज को हमारे एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी की तरह बनाना है, प्लीज रिमेम्बर। और हमारे सामने जब हम एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो दो चार नाम हमारे सामने आ जाते हैं। एम आई ऑडिबल, थोड़ा मुझे लगता है कि फ्रीज हो रहा हूँ मैं। यस सर, यस सर, थैंक यू, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, इसलिए मैं समझा कि कुछ दिक्कत तो है नहीं। यस, मेरे ख्याल से यस है, लता जी का बेटा यहाँ। तो हमारी शिक्षा, हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेसिस पे चल रही है। ये पॉलिसी चाहते कि नहीं, अब हम उसको हिंदुस्तानी बनाएंगे, हम इसको इंडियन बनाएंगे। तो फिर हमारे मॉडल क्या होने जा रहे हैं, हमारा मॉडल विल बी यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला, उज्जैनी एंड सो एंड सो फोर्थ। ये यूनिवर्सिटीज अपने जमाने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अब इसका क्या हुआ, ये कैसे बर्बाद हो गई, वो अलग बात है। लेकिन ये पॉलिसी चाहती है कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज इसके मॉडल पे हम बढ़ाएंगे। और प्लीज लेट मी टेल यू, उस जमाने में ऐसे आर्ट फैकल्टी, आर्ट साइंस कॉमर्स ऐसा क्लियर कट डिवीजन नहीं था, प्लीज रिमेम्बर। वो जमाने में बच्चों को अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ने की वहां मतलब आजादी थी, चॉइस था, अपने हिसाब से पढ़ते थे। अब
अभी नालंदा कहाँ है, बिहार से हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है, वो पुराना नालंदा तो बर्बाद हो गया, अब नया नालंदा बनने जा रहा है वहां, एम आई सर, राइट? यस सर, यस। अब वो किस प्रकार बनेगा वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये हमारा मॉडल बनेगा, हमारा मॉडल बनेगा तक्षशिला। आप प्लीज रिमेम्बर, तक्षशिला इज नाउ डेज नॉट इन इंडिया। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां लोकेट होती थी ना, वो जोग्राफिकल एरिया अब हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में गेट हुई। हमारे पास उज्जैन ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आज अलग है। तो ये पॉलिसी चाहती है कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज हम इसके बनेगी, जहां बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन दिया जाएगा, उसको मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देंगे। अब क्या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होता है, उसको 64 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, 64 कलाज। अब 64 कलाज क्या है, पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि क्या क्या है 64 कलाज में। इसमें बहुत सारे आर्टिसन थे बहुत सारे, इसमें कारागिर थे सारे, पेंटिंग है, म्यूजिक है, बहुत सारी कलाएं हैं इसमें। इट में भी देर में भी कुकिंग, देर में भी गार्डनिंग, ये सारे ऑप्शन अब बच्चों को हम देने जा रहे हैं। अब कैसे देने जा रहे हैं, वी नो सीबीएसई एंड अदर थिंग्स आते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स विद साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। देखो मतलब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी या साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पढ़ने की सुविधा बच्चों को होगी। उसको होलिस्टिक बनाना है, उसको होलिस्टिक मतलब क्या, परिपूर्ण बनाना है। होलिस्टिक की मीनिंग होता है परिपूर्ण बनाना है। वो चाहता है तो उसको ये भी जानने का मौका मिले, वो भी जानने का मौका मिले। फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर, इस पे तो आप शायद, मुझे लगता है कि बहुत सारी बात हो चुकी होगी, है ना, मल्टीपल एक्सिट एंड मल्टीपल एंट्रीज, इस पे मुझे लगता है कि मैडम ने कोई स्पेस सेशन करवाया होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज अ वेरी पैराडाइम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जरूर नहीं कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में एनरोल हो जाता है तो वो 3-4 साल हमारे साथ बना रहे, वो चाहे तो बीच में शिक्षा छोड़ सकता है, बाहर जाके फिर लौट के आ सकता है। अब उसमें क्रेडिट क्या रहेंगे, कितने मेजर रहेंगे, कितने माइनर रहेंगे, उसमें स्किल एजुकेशन के लिए कितने क्रेडिट रहेंगे, उसमें फिर आपके वैल्यू शिक्षा के लिए कितने रहेंगे, उसमें आपके एबिलिटी एडवांसमेंट के लिए कितने रहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। आई होप यू नो दैट। उस पर कोई सेशन हो चुका है ना मैम? यस सर, हो चुका है ना, चलो आई विल नॉट गो इन टू दैट डिटेल। फिर आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखो ये आप आज हमारे शिक्षा में ये मिसिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिर्फ हमारा पॉलिटिकल साइंस का बच्चा थोड़ा बहुत कुछ जानता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का बच्चा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा पूरा लोकतंत्र रेस्ट है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। और साथ ही साथ जो हमारे वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, इंडियन भी है और यूनिवर्सल भी है, इन वैल्यूज को भी शिक्षा में लाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें 9 क्रेडिट होने जा रहे हैं, उस पर 9 क्रेडिट इन आवर डिग्री प्रोग्राम। तो उसमें 4 एरिया में से हमें ये मल्टी डिसिप्लिन लेनी है, और उसमें एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पर भी आएगा। साथ ही साथ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टिव हो रहा है। एक और तो हम कह रहे हैं कि हमें इंडियन बनना है, वी वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ इंडिया, वी वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ इट्स राइट, इट्स रेगुलेशन, इट्स कस्टम। सेम टाइम वी एक्सपेक्ट दैट आवर स्टूडेंट मस्ट नो समथिंग अबाउट इंटरनेशनल थिंग्स। अब ये कहते हैं कि उसको ग्लोबल कॉम्पिटेंसी कह दी नहीं उसने। अब प्लीज रिमेम्बर, आने वाले समय में हमारे हर एक यूनिवर्सिटी दुनिया के मेजर लैंग्वेजेस की शिक्षा दी जाएगी, मेजर लैंग्वेजेस की। आज नागपुर में शायद हो सकता है कि पाली का हो, या फिर स्पेनिश का हो, रशियन का हो, तो यहाँ डिपार्टमेंट हो सकते, मुझे नहीं है, लेकिन हो एक दूसरी भाषा का वहां डिपार्टमेंट हो सकता
लेकिन आने वाले समय में आपके यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिपार्टमेंट बन सकता है, फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, और उसमें दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण भाषा है, महत्वपूर्ण इन नॉलेज लैंग्वेज, जैसे कि आज बिकॉज बड़े चाइना सुपर पावर दिन हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जापान बहुत, अब हमारे पास भी मोबाइल उसमें से या तो चाइनीज कोरियन होते हैं, लोगों को भाषा का ज्ञान है बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे प्रकार में इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अब फोकस ऑन टीचर एजुकेशन, जिसको बी एड या डी एड कहते हैं, एम एड कहते हैं, स्पेशल थोड़ा सा फोकस दिया गया है। प्लीज रिमेम्बर, पता नहीं नारायण बता रही है, मेरे पास तो उनको भी कहते हैं आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है। मैम सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर वॉइस इज ब्रेकिंग, तो शायद मुझे थोड़ा कुछ पड़ता हो सकता है, और हम आकुष्टिक इंजीनियर तो है नहीं, है ना, उसके बारे में तुमको ज्यादा जानते नहीं है। अब टीचर एजुकेशन पे फोकस जा बहुत सारी चीजें तो हम जानते हैं कि हम क्या सर वॉइस नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। पार्टिसिपेंट्स कैन यू हियर हिम प्रॉपरली, अदर पार्टिसिपेंट्स? यस सर प्लीज रिजॉइन। पार्टिसिपेंट वेट करिए, सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। यस मैम, जस्ट वेट, यस सर। आप ठीक से आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर अभी क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, मेरा स्क्रीन अभी भी विजिबल है आपको? नहीं सर, स्क्रीन फिर से शेयर करना होगा। चलो ओके। अब है? हाँ सर हो रहा है, जस्ट ओके। यस सर नाउ इट इज विजिबल, यू कैन प्रोसीड। अब मैंने जो इंटरनेट का मेरा सोर्स था वो बदल दिया मैंने। जी सर। तो मैं कह रहा था कि वी पीपल, वी टीचर हु आर वर्किंग इन द हायर एजुकेशन, वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन एजुकेशन। क्लास में जाके कैसा पढ़ाया जाए, उसका टेक्निक क्या होता है, उसका साइंस क्या होता है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो इस पॉलिसी में
टीचर एजुकेशन पे ज्यादा ज्यादा फोकस दिया गया है और वो चाहते हैं कम से कम कोई मेरे साथ विजिबल रहे मन में. कोई है मेरे पास मेरे साथ विजिबल? देख नहीं पा रहा हूं किसी को. एनीवे आई होप आई एम विद यू. हाँ ठीक है. यस सर यस यस. तो ये पॉलिसी अब आने वाले समय में एक होगा कि अब सारे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खुलेगा. आज हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं है. प्लीज रिमेम्बर उसको. एफिलिएटेड बहुत सारे बीएड कॉलेजेस तो है. प्लीज रिमेम्बर नागपुर यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि बहुत सारे बीएड कॉलेजेस उसको एफिलिएटेड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में ही वो डिपार्टमेंट होता नहीं. पर सिटी इट में भी देयर हो सकता है, लेकिन कई जगह ऐसी बात है. अगर कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं है तो वहां कंपल्सरीली खुलेगा. और कॉलेजेस में भी, कॉलेजेस में आप एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट विल कंपल्सरीली बी देयर. जैसे हम आज करते हैं ना, मेरा सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, अब उस लिस्ट में एजुकेशन भी आ जाएगा एज वन ऑफ द ऑप्शनल हमारे विकल्पों में. आप कॉलेजेस में आप शिक्षा शास्त्र भी रहेगा और शिक्षण शास्त्र भी रहेगा. वन मोर थिंग, अब तो ये तो हो गया बच्चों के लिए जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं. अब हम टीचर के लिए क्या करेंगे या आने वाले टीचर के लिए क्या होना है? एक एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ किया गया है कि अब जो भी स्कॉलर पीजी कर रहे हैं, ऑल द स्कॉलर्स हु आर परसुइंग देयर पीजी, दे मस्ट हैव सम पार्ट ऑफ देयर कोर्स वर्क फॉर टीचिंग. मान लीजिए कि आपके आपके अंडर आपके विभाग में चार पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं फॉर पीएटी. आई डोंट नो व्हाट इज योर सब्जेक्ट मैम. व्हाट इज योर सब्जेक्ट? सर माय सब्जेक्ट इज माइक्रोबायोलॉजी. और हो सकता है कि आप अभी आ रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा है. चलो आई वाज टेलिंग यू दैट अब आपके स्कॉलर्स को आप जो पेपर पढ़ा जो आपके डिपार्टमेंट उसमें से कुछ पेपर पढ़ाने पड़ेगा. कम से कम चार क्रेडिट का एक पेपर आपके अंडर काम करने वाले सारे पीएचडी स्कॉलर को पढ़ना पड़ेगा. और वहां वाइल अर्निंग हिज पीएचडी ही विल हैव नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑल्सो. एक बहुत बड़ा बदलाव है. और उसका दूसरा एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपके चार बच्चे कुल मिला के 16 क्रेडिट का टीचिंग वर्कलोड ले जाते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में नए रिक्रूटमेंट के लिए कोई वर्कलोड बचेगा नहीं. नए रिक्रूटमेंट के लिए कोई वर्कलोड नहीं बचेगा. ये बहुत ही बदबू सर. ये हमारी यूनिवर्सिटी में अभी होता है, पीएचडी स्कॉलर्स पढ़ाते हैं. पर सर सबसे बड़ी डिफिकल्टीज यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट के माइंडसेट की. उनके दिमाग में रहता है कि स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं और उनके दिमाग में रहता है कि कोई परमानेंट टीचर्स पढ़ा रहे, तो दे बहुत वो नोटोरियस हो जाते कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे स्कॉलर से, पीएचडी वो स्टूडेंट्स ही है. तो ये प्रैक्टिस है सर, लेकिन स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रहे. अब उन स्टूडेंट को अपनी माइंडसेट बदलनी पड़ेगी. यस सर. दूसरा कोई चारा है नहीं मैम, क्योंकि आप भी जानती हैं और बिहार के तो हालत कैसे आप मुझसे ज्यादा बेटर जानती हो, कितने रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आप जानती हो. भले वो स्कॉलर हो कोई भी, कोई तो बच्चों के सामने जाएगा है ना, अदरवाइज दे विल बी लेफ्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाना पड़ेगा फिर उनको. और ये हो चुका है बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ मैन पावर. यही प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस है, ये टीचर्स ही नहीं है.
अगर मान लीजिए कि बिहार में मान लीजिए 50% वैकेंसी है, तो महाराष्ट्र में 30% वैकेंसी तो है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। उस इश्यू को महाराष्ट्र वाले भी फेस करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी फेस करती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी फेस करती है, और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर, ठीक है, सारे के सारे स्कॉलर बच्चे तो नहीं होंगे ना, हो सकता है कि कोई टीचर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं, और आपके यूनिवर्सिटी में आके वो फुल टाइम पीएचडी कर रहा है, एंड ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन देयर। मान लीजिए आप, जहां तक मैं आपको देख रहा हूँ, आप यंग है, सर, और आई आई एम फॉर नॉट अ अ वाइल पीएचडी आई स्कॉलर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय पीएचडी येट सर। ओके, यू आर रिसर्च स्कॉलर ना। एक्चुअली आई वाज इन पीएसयू फॉर 9 इयर्स, आई वाज जस्ट क्वालिफाइड थ्रू नेट इन बिहार ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन, सो आई हैव टू डू पीएचडी नाउ। ठीक है, चलो मान लिया यू आर इन द सर्विस ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार, ओके, एंड यू आर विदाउट पीएचडी। यस मान सर, लीजिए कि आप नागपुर में आके फुल टाइम पीएचडी कर रही हो, फुल टाइम, प्लीज रिमेम्बर, फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो, नॉट पार्ट टाइम। अगर आप फुल टाइम पीएचडी नागपुर में आकर या पटना यूनिवर्सिटी में जाकर करती हो, तो आपको वहीं रहना है और वहीं के बच्चों को पढ़ाना है। अब वो जो आपका इश्यू था ना, बच्चे नोटोरियस हो जाते हैं कि स्कॉलर हमें पढ़ा रहा है, यू आर नॉट स्कॉलर देयर नाउ, यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर, तो आपके बारे में तो इश्यू होगा नहीं ना। तो दैट इज वन थिंग। एंड थर्ड थिंग, ये भी थोड़ा सा मतलब मिश्योस काम है, ये भी नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी। अब ये भी इस बात को भी समझिए, थर्ड जो है ना, इसमें क्या फील, आप रिटायर्ड लोगों के सर्विसेज भी आप उच्च शिक्षा में लिए जाएंगे। आप भूल जाना कि कोई रिटायर हो गया तो सारे के सारे नए टीचर वहां आएंगे, नो, अब वहां कुछ रिटायर लोगों को भी लाया जा सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे ख्याल से आपने एक टर्म को सुना होगा मैडम, प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस, इसको सुना है आपने, प्रोफेसर यस सर, बाय प्रैक्टिस, लता मैम यस आपने सुना है? यस, मान लीजिए कि आपके पास कॉमर्स फैकल्टी है और कॉमर्स फैकल्टी में कोई कंपनी लॉ है, तो जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई प्रोफेसर ही आए आपको पढ़ाने के लिए, नो। फॉर 1 ईयर द यूनिवर्सिटी में अपॉइंट सम लॉयर विद एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ, ये पॉसिबल है। मान लीजिए कि आपके बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाना है, जरूरी नहीं कि आपका वहां कोई एमकॉम पीएचडी वाला अपॉइंट किया जाएगा, नो। इन टाइम टू कम देयर विल बी सम एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन योर यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजों को समझ बहुत सारे लीजिए। जीएम्स लोग जो हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट एजुकेशन सेक्टर में चले जाते हैं, और बहुत आसानी से उन लोगों को रिक्रूटमेंट मिल जाती है जो जीएम लेवल पर बिल्कुल रिटायर करते हैं, दे जनरली ऑप्ट फॉर एजुकेशन सेक्टर। सुनिए ना मैडम, वो तो बात छोड़िए, आप कोई लॉयर है मान लीजिए, या कोई सीए है, सीए तो किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होगा, वो तो पीएचडी नहीं होगा, जरूरी नहीं कि कोई प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, जरूरी नहीं कि वो एलएलएम होगा या पीएचडी होगा, नॉट नेसेसरी, ही मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर 30 ईयर्स एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर, उनको भी लाया जाएगा, प्लीज रिमेम्बर, इन द नेम ऑफ प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होने जा रही है। और आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलर निकाला है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कौन रहेगा, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सब आने जा रहा है उसमें। इसका मतलब साइड इफेक्ट क्या हो रहा है पता है आपको? हमारा कुछ वर्कलोड पीएचडी रिक्रूटमेंट तो पा और कैसे कम हो ले जा रहे जाएगी हैं। सर, अब यस मैम, फ्रेश रिक्रूटमेंट तो अब और कम हो जाएंगी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये यस, हो। दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग, दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग। और गवर्नमेंट कोई भी हो मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, अब कम से कम हमें रिक्रूटमेंट करनी है और इस सिस्टम को चलाना है, दैट इज द ग्रेटेस्ट मिशन दे हैव अंडरटेकन, अब इसको हमें फेस करना ही है। चलो आगे जाते हैं, थोड़ा सा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे देखना पड़ेगा टाइम कितना बचा है। यस, आई हैव 15 मिनट। अब टेक्नोलॉजी के बात तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एनईटीए बनने जा रहा है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, आप जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस आ रहे हैं उसके गाइडलाइन बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना,
उसको उन लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें ये एनईटीएफ करने जा रहा है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका काम क्या रहेगा? डायरेक्शन देना, इंस्टीट्यूशनल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज बनाना, मतलब ट्रेनिंग देना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और पॉलिसी डिसीजन में रिसर्च करवाना इसका काम रहेगा। आई विल गो रादर फास्ट। अब ये वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा टारगेट रखा है मैम। सी द सेकेंड वन, सॉरी सी द दिस वन, बाय 2025 एटलीस्ट 50% लर्नर थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन विल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। मैडम ये क्या कहता है पता है, कि हमारे उच्च शिक्षा में जितने बच्चे हैं ना, उससे 50% बच्चों को कम से कम एक वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा होनी चाहिए। ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर हम आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या लेते हैं, हमारे पॉलिटेक्निक्स की संख्या लेते हैं, तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसको तो कर रहा है 2025 तक। अब हम जानते हैं कि आईआईटी, लोकल इंडस्ट्री, ये बहुत सारी चीज इसमें ली जाएगी, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब ये एनआरएफ सारे रिसर्च एक्टिविटीज को और फंडिंग को कोऑर्डिनेट करेगा। प्लीज रिमेम्बर, कोऑर्डिनेट करेगा। आजकल होता क्या है कि नागपुर में एक टीचर उसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, और मुंबई में भी एक टीचर उसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, और दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग फंडिंग एजेंसी ग्रांट देती है। ये होता है, कई बार होता है। और मैं तो लिटरेचर में देखता हूँ कि मैं गिरीश कारनाड पे नांदेड़ में काम कर रहा हूँ, और कोई और बच्चा कोल्हापुर में उसी टॉपिक पे काम कर रहा है, एंड बोथ आर रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम सम फंडिंग एजेंसी। किसी को SSR का ग्रांट मिल जाता है, किसी को UGC का मिल जाता है, किसी को और का मिल जाता है। देर इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्क, एंड देर इज अ वेस्टेज ऑफ मनी, एंड देर इज अ वेस्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो। तो ये जो NRA बनने जा रहा है, वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा और रेपुटेशन अवॉइड करेगा। और दूसरी एक बात क्या करेगा, वो मेरिट बेस्ड रिसर्च को ये ग्रांट देगा, मेरिट बेस्ड। दूसरी क्या बात है, नॉट ओनली दैट, इट विल इंसेंटिवाइज एंड रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स। अब इंसेंटिवाइज कैसा करेगा ये तो दिखा नहीं है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि 2016 के बाद हमें जो PhD के लिए 3 या 5 इंक्रीमेंट दिए जाते थे, वो बंद हो चुके हैं। सही है ना, am I right? After 2016, there are no increments given to the teachers with PhD. अब ये बिल को खत्म कर दिया है। But this NRF says that it will incentivize. साथ ही लेकिन इस बात को ये भी देखना पड़ेगा कि existing जो funding agencies हैं, आपने SSR को सुना होगा, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, आपने ICHR को सुना होगा, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, आपने ICPR के बारे में सुना होगा, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ICCR ऑल्सो, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च। अब साइंस में भी DBT है, DST है, ये भी सारे काम करेंगे, लेकिन इसके कोऑर्डिनेशन का काम करेगा NRA। दूसरी बात आगे चलते हैं हम, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। देखो जैसे कि मैंने कहा कि डीकोलोनाइज करना है, इंग्लिश इंग्लिश बहुत हो गया, अब हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, भारतीय कलाओं को बढ़ावा देना है, भारतीय कल्चर को, संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब वो कैसे करना है, दो चार चीजें हैं। एक, हर एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी देयर। अब हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, लेकिन जहां नहीं है वहां संस्कृत डिपार्टमेंट खुलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो अदर क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे कि आपका तमिल है, कन्नड़ है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है,
अब इन भाषाओं के डिपार्टमेंट हो सकता है कि नॉन तमिल प्रदेश में भी खुलेंगे या नॉन कन्नड़ प्रदेश में भी खुलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि शायद आपने मैम मुझे बताया कि आपके यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत को होगा ना मैम, संस्कृत है। यू आर म्यूट मैम। यस यस है ना। हेलो मैडम, मैं आपको सुन नहीं पा रहा है ना। ठीक है, कोई बात। लेकिन अब उसके साथ साथ आपको अदर क्लासिकल लैंग्वेज के भी डिपार्टमेंट वहां खुलेंगे, जैसे कि इंडिया की जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जैसे कि कन्नड़ है, तमिल है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है, उनके भी डिपार्टमेंट खुलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि 100 फैमिलीज आपके तमिलनाडु से नागपुर में काम करती हैं, दे वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन तमिल, दे वांट टू डू सम रिसर्च इन तमिल, सो नागपुर यूनिवर्सिटी मस्ट हैव दैट फैसिलिटी टू देम। अगर मान लीजिए कि सोलापुर में, सोलापुर इज आई मीन टू से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अगर वहाँ कन्नड़ डिपार्टमेंट नहीं है तो वहाँ के कन्नड़ बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि अब हर यूनिवर्सिटीज में संस्कृत डिपार्टमेंट तो खुलेगा। वाई संस्कृत डिपार्टमेंट शुड बी देयर? वी बिलीव दैट इन संस्कृत द नॉलेज ऑफ इंडियन साइंस इज देयर। हम लोग मानते हैं कि संस्कृत ज्ञान भाषा है, हम मानते हैं, आई डोंट क्लेम दैट, हम मानते हैं कि हमारा ज्ञान संस्कृत भाषा में है, तो उस भाषा में जो ज्ञान है उसको हमें आगे लाना है, सामने लाना है, ताकि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचे रहें। तो उसके लिए संस्कृत पढ़ने की सुविधा तो हो, फैसिलिटी तो हो, इसलिए संस्कृत डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि टीचिंग इन लोकल लैंग्वेजेस, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश को लेकर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। वन थिंग, देन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम भी यूज, अब इस बात को थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, हम इसको IKS कहते हैं, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, और ये बहुत बड़ा टूल है आपको डीकोलराइज करने का। मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल साइंस या सब्जेक्ट है, नाज मैम आपका सब्जेक्ट क्या है? नाज मैम सर मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो, अब कोई पॉलिटिकल साइंस का भैया कोई पार्टिसिपेंट है, अगर मैं उसको पूछूं कि भाई हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कोई मुझे बताएगा? एरिस्टोटल सर। यस, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सेकंड सेंचुरी में था, राइट? सेकंड सेंचुरी बीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में ग्रीस में था एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब राज कारोबार चलाने की जो शिक्षा होती है उसको हम पोलिटिकल साइंस कहते हैं इन जनरल। अब सवाल ये बनता है कि हमारे पास आर्य चाणक्य भी थे, है ना, विष्णुगुप्त, उन्होंने भी अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है, उसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इट इज द साइंस अबाउट पॉलिटिक्स, प्लीज रिमेम्बर, उसका नाम तो है अर्थशास्त्र, दंडनीति हम इसको कहते थे, दंडनीति। मेरे कहने का मतलब था कि हमारे पास भी स्कॉलर थे, हमारे पास भी कौटिल्य थे, हमारे पास भी बहुत पुराने पुराने हमारे पास स्ट्रक्चर है। आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सर यू आर नॉट ऑडिबल। प्लीज वेट, कुछ कनेक्शन का इश्यू होगा, प्लीज वेट। कितने अच्छे स्ट्रक्चर जो हजारों साल से बने हैं वहां, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग की बात को पढ़ते हैं, ओके मैम, आई एम ऑडिबल? यस, नाउ इट्स ओके सर।
कहने ये जा रहा था कि हमारे पास भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है, जैसे कि वी कैन जस्ट दैट एग्जांपल ऑफ ताजमहल, इट वॉज बिल्ट सम 400 ईयर अगो एंड इट इज इंटैक्ट, आज भी वो यूं के त्यों है। अब हालांकि उस वो टाइम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट शायद हमारे पास नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो इंजीनियरिंग का है, तो वो क्या था वो हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था ये हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारी दंड नीति क्या थी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारा आयुर्वेद क्या था ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दिस वे अवर एशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर एजुकेशन। दूसरी बात, रीड एंड ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी ऑफर्ड, ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है कि हमारा देश मल्टीलिंगुअल देश है और एक लैंग्वेज का ज्ञान दूसरे लैंग्वेज में लाने के लिए उसका इंटरप्रिटेशन भी होना जरूरी है और उसका ट्रांसलेशन भी होना जरूरी है। दिस इज अगेन वन थिंग। अब ये मुझे लगता है कि इस सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अभी हमारे पास बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, UGC है, AICTE है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, AICTE है, बहुत सारी चीजें इसमें। अब ये पॉलिसी हमारे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में बदलाव लाने जा रही है। आजकल सारा काम UGC करती है, प्लीज रिमेम्बर, UGC पैसे देने का भी काम करती है, UGC रूल बनाने का भी काम करती है, UGC हमें गाइडलाइन देती है कि कैसे करिकुलम बनाया जाए, ये सारा काम आज UGC करती है। लेकिन एज पर दिस पॉलिसी नाउ देयर बी वन अम्ब्रेला एजेंसी कॉल्ड हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट होगा, अम्ब्रेला एजेंसी होगी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड उसके तहत 4 इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस वर्टिकल्स आर गोइंग टू बी देयर, 4 ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंस। अब उसके काम अलग अलग है, एक का काम दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। पहला क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, प्लीज रिमेंबर एट द टॉप क्या है, HECI, और उसके 4 वर्टिकल्स है, फिर 4 वर्टिकल। फर्स्ट NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये सिर्फ रूल बनाएंगे, रूल क्या होगे, टीचर के अपॉइंटमेंट के रूल क्या होगे, CS के रूल क्या होगे, एफिलिएशन के रूल क्या होगे, ये सिर्फ रूल बनाएंगे। आज ये काम UGC करती है। सेकंड NAC, इट इज नॉट NAAC, इट इज NAAC, नेशनल एक्रेडिटेशन, वो UGC करता है एज एन ऑटोनॉमस थिंग, बट नाउ इन टाइम टू कम NAAC इज इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, NAAC। और एक बात समझ लेना, This NSE will look after the things of accreditation. ये accreditation का काम करेगी लेकिन खुद नहीं करेगी। अब वो उसके लिए private agencies को hire करेगी। Please remember, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार document को ठीक से पढ़े, ये सारे चीजें उसमें है NSE। तीसरी है HEGC, Higher Education Grants Council और Granting Council। अब सिर्फ ये fund का काम करेगी, funding का काम करेगी। आज जैसे मैंने कहा, रूल UGC देती है, एक्रेडिटेशन भी UGC के एनैक्ट करता है, अब फंड भी UGC देती है, लेकिन नहीं, अब आने वाले समय में HEGC एक अलग काउंसिल बनेगी जो फंडिंग का काम करेगी, और लास्ट में GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, विच विल लुक आफ्टर ओनली करिकुलर थिंग्स, वो सिर्फ करिकुलम की बात करेगी, वो रूल नहीं बनाएगी, वो फंडिंग नहीं देगी, वो एक्रेडिटेशन नहीं करेगी। तो दिस वे दिस 4 इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन टू दिस 4 डिफरेंट थिंग। रही बात जो बात ICAR है, AICTE, VCI है, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तौर पे काम करेगी, नॉट मोर देन दैट। नाउ लेट मी मूव अहेड। अब
अब बात करते हैं, टाइम लगभग हो चुका है, आई विल ब्रीफ यू नाउ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब हमारे उच्च शिक्षा को हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना है। क्यों लाना है? हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारा पैसा बाहर जाता है, ना सिर्फ बच्चे जाते हैं, ना सिर्फ पैसा जाता है, उसमें से बहुत सारे बच्चे वहीं सेटल हो जाते हैं, तो दे डू नॉट कम बैक टू इंडिया। तो ये पॉलिसी चाहते हैं कि हमारी शिक्षा इस प्रकार बने कि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और वहाँ बाहर ना सेटल हो पाए। तो क्या करना चाहते हैं? फिर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना बल्कि बाहर जाए, बल्कि बाहर के बच्चे हमारे पास आए। तो ऐसा करना है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में है, उसमें हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इंडोलॉजी की बात है, आयुष की बात है, योगा की बात है, ये सिर्फ इंडिया में है। अब हमें इसके ऊपर डिग्री बनानी पड़ेगी इसको लेकर, ताकि बाहर के बच्चे आकर इसको पढ़ सके। दूसरी बात, और एक बात देख लीजिए, क्रिएटिंग मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंगेजमेंट, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड क्वालिटी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड ऑन कैंपस सपोर्ट। बाहर के जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना हमारे पास, होता क्या है, मान लीजिए वो बच्चे 10-20 होते हैं, वो अपने ग्रुप में रहते हैं, उनका हॉस्टल अलग है, और वो बच्चे डरे डरे रहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई से काम रखते, बाकी कुछ नहीं काम रखते। ये पॉलिसी चाहते कि नहीं, इन बच्चों का हमारे सोशल एंगेजमेंट में उनका रोल होना चाहिए, उनको हमारा कल्चर उन्होंने जान लेना चाहिए, हमने भी उनका कल्चर जानना चाहिए। साथ ही साथ उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज हम दे पाए, और साथ ही साथ एक ऑन कैंपस सपोर्ट सेंटर बनना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट टॉपिक शुड बी इन एवरी यूनिवर्सिटी, प्लीज रिमेम्बर ये चाहिए। दूसरी बात, MOUs बनेंगे हमारे, नेटवर्क इश्यू आहे सरांकडे, प्लीज वेट फॉर रिसर्च के साथ चैलेंज। ये तो सारे गोल हमारे हो गए, अब हमारे चैलेंजेस क्या है? ये बातें पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, हमें ये करना है, वो करना है, यूं करना है, क्यों करना है, लेकिन वो करने में दिक्कतें क्या है, हमारे सामने इश्यूज क्या है? जैसे कि मैं कह रहा था 2020-21 के AICTE की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 1113 यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूशन है, 1114। देखो 235 सेंट्रली फंडेड है, 422 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 446 है, प्लीज रिमेम्बर। अब मेगा इंस्टीट्यूट होगा आपका, भारतीय विद्यापीठ होगा, सिम्बायोसिस होगा, ये 446 है, और डीम्ड है 46, ये सारे मिला के कितने हैं 1113। और कॉलेजेस देख लीजिए 43,796, इसमें ग्रांटेड, नॉन ग्रांटिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट सारे आ गए, सिर्फ इतने हैं, और इन सारों को मिला के हम सिर्फ 4,13,00,000 बच्चों को दे पाते हैं। अब ये पॉलिसी चाहती है कि हम 2035 तक इसको डबल बनाएं, नॉट पॉसिबल, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको एक इसको देख लीजिए, आप ये यूनिवर्सिटीज है और उसका एनरोलमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 7,00,000 बच्चे हैं, ये आप देख लेते हो, और स्टेट यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कितने हैं, 27,00,000 बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज में। और उसके आगे मैं आना चाहूंगा, प्राइवेट कहाँ गए, 1 मिनट ये देख लेना, इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लगभग 14,00,000 है। और प्लीज रिमेम्बर ओपन में भी देखना, ओपन यूनिवर्सिटीज में कितने हैं देख लेना, लगभग 12,00,000 बच्चे ओपन यूनिवर्सिटीज में, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में 15,00,000 से ज्यादा बच्चे। इतना सारा करने के बावजूद भी हम 77.3 पर ही अटके हैं, पिछले साल 27.1 था, इस बार 27.3 हो चुका है, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ हम 20,00,000 बच्चे बढ़ा चुके हैं मैम,
अगर इसी स्पीड से जाएंगे तो अगले 10 सालों में या 12 सालों में हम ज्यादा से ज्यादा दो दो ढाई करोड़ बढ़ा पाएंगे, नॉट डबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 8.69% बच्चों को एनरोल देती है, इस बात को प्लीज समझिएगा। सेंटर के पास पैसा ज्यादा है, फंडिंग ज्यादा है, लेकिन उनका शेयर इन टोटल एनरोलमेंट इज ओनली 8.69%। उसके उसके विपरीत स्टेट का देख लीजिए कितना शेयर है, 68 पॉइंट। एंड प्राइवेट का, प्राइवेट भी पीछे नहीं रहा है, अब प्राइवेट भी 22% ले रहा है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अब हमें अच्छे नजर से देखना पड़ेगा, वो बुरे हैं ऐसा हमें नहीं सोचना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग अ ग्रेटर शेयर नाउ। ये भी चैलेंज है क्योंकि ये पॉलिसी बनाई है सेंटर ने, उतना रोल कितना है उनका, सिर्फ 8.69% बच्चों तक है, लेकिन बाकी सारा लोड तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, स्टेट में है, तो ये कैसे मैनेज करेंगे। आगे जाते हैं, हम दूसरी एक बात ये देख लीजिए, हमारे टोटल एनरोलमेंट में से मैडम लगभग 78% बच्चे सिर्फ यूजी प्रोग्राम में है, पीजी में नहीं है। पीजी में सिर्फ 12.6% है, सारे के सारे यूजी में 80% लगभग। और उसमें भी देख लीजिएगा फिर बीए में सबसे ज्यादा आए 33 लाख, बीएससी में 16.5 चाहिए, 165 नहीं, 16.5 है। कॉमर्स का 13.8% और इंजीनियरिंग का 11.9%। और हम पीजी की बात करते हैं तो सिर्फ सिर्फ 12.6%, हमारे 4 करोड़ 13 लाख बच्चों में से 12% मतलब कितने हो जाएंगे, 39 लाख, 49 लाख। और सबसे दिक्कत वाली बात मैडम, बीएडी में 0.51 है। हमें रिसर्च को आगे बढ़ाना है, हमें विश्वगुरु बनना है, और यहाँ बच्चे कितने हैं पीएचडी के लिए, 0.51। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ दूसरे भी कुछ इश्यू है जिस इश्यूज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये मुद्दा बहुत काम करता है। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी सिस्टम हमारे पास नहीं है, दो पार्टी सिस्टम है, हमारे पास मल्टी पार्टी है। अब वो दिन चले गए कि सेंटर में भी एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी और स्टेट में भी वही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी ना, अब वो दिन नहीं रहे, अब चीजें बदल चुकी है। कई बार होता क्या है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में, पैसा तो वहीं से आना है, प्लीज रिमेम्बर, पैसा तो सेंटर से आना है, अगर पैसा नहीं आएगा तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, शायद प्रीति मैम विल एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मैडम एमपी में, यूपी में पिछले 2 सालों से एनईपी इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है, पिछले 2 सालों से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट इन 23-24। क्यों? यहाँ पहले ठाकरे साहब थे, गवर्नमेंट बदल गई तो चीजें बने, है ना? दूसरी बात, हमारे पास लिंग्विस्टिक अस्मिता भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, हर कोई का अपनी भाषा प्यारी होती है, और ये पॉलिसी कहती है कि अब हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, और हम जानते हैं कि संस्कृत को लेकर हमारा परसेप्शन कुछ अलग है। बहुत सारे मासे समझ को कहते हैं ना बहुजन, वो समझते हैं कि संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा है, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता है, ये परसेप्शन है। आज ही कुछ कुछ हिस्सों में से आवाज आने लगी है कि क्या हमें हिंदू एजुकेशन लेना है, क्या हमें पंडितों का एजुकेशन लेना है, ऐसी आवाजें बढ़ने लगी है, तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने साउथ में तो ये ज्यादा है मैडम, साउथ में आवाजें बहुत बड़ी है, और हम जानते कि उन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया तो संस्कृत को क्या करेंगे। और दूसरी बात, इश्यू ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेजेस एंड, अब जैसे कि मैंने कहा, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में आएगा, एजुकेशन सब्जेक्ट हर कॉलेज में आएगा, तो ये बीएड कॉलेज का क्या करेंगे, हम बीएड कॉलेज का क्या करेंगे, बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी बात, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड वांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन,
जैसे कि मैंने कहा आज भी कुछ लोग गए थे भैया हम भरोसा नहीं दे पाए लोगों को, ये भी लैक ऑफ ट्रस्ट है और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के तो बहुत बड़ा इश्यू है। AICG का रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे मैडम तो इसमें कितने कॉलेजेस में टॉयलेट है, कितने कॉलेजेस में नहीं है, कितने कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम है, कितने में, इसकी भी बात उसमें है। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बुरे हैं। और लास्ट में वैकेंट पोजिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, आज ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 40% है हमारे पास, 40% पिछले साल मतलब 20% और आज में पोल्यूशन भी उसका एक है, एकमात्र आज क्या है मैडम, स्टेट स्टेट को ये सारी चीजें चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है स्टेट को। और जब से ये क्या तो पहले हालात हो गए करके वो भी वक्त पे नहीं देते तो ये सारा हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला ये रहेगा, सॉल्यूशन ये रहेगा कि उच्च शिक्षा का पूरा बर्डन सेंटर मैडम आप जानती होगी कि जब कोई नया पे रिवीजन आता है पे रिवीजन सेंटर नहीं पाए हम कभी कभी होता रहता है पे कमीशन पाए क्यों बिकॉज दे आर नॉट इन पोजिशन। हम तो जैसे कि हमारे यहाँ बिहार से मैडम वहाँ हालत क्या होगी वहाँ से हालत क्या होगी नो तो बेटर ये कि सेंटर सारा खर्चा उठता है स्टेट टू कनेक्ट भी मैंने 11 मिनट जा थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनलाइटिंग सेशन ऑन हाइलाइट्स ऑफ एनईपी 2020 एंड चैलेंजेस। आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ फीडबैक देना है। अभी गूगल लोगों के साथ देख पाता अभी मैं सारे लोगों के साथ सर आप देख सकते हैं, यू कैन चेंज द लेआउट। नो सर, यू कैन चेंज द लेआउट टू ग्रिड मोड, आप देख पाएंगे सभी को। पार्टिसिपेंट आई रिक्वेस्ट टू प्लीज ऑन योर वीडियोस इफ पॉसिबल। तो और कोई सवाल नहीं, सारे स्विच ऑडियो सारे लोगों को एक साथ नहीं दे पाता हूँ मैं। चलो एनीवे मैं एक बात कह रहा था मैडम, मैं दो आई वर्क इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, I am not advocate or critic of this university. Sorry, this NEP. इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें ओवर एम्बिशियस है जिनको करना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ एक बात मैं कहूँगा, हर जगह मैं कहता हूँ कि when this policy came in 2020, I had many reservations, many questions. जब ये पहले बार तो मेरे सामने बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, लेकिन आज आफ्टर 2 ईयर्स सम क्वेश्चन आर स्टिल देयर। फिर भी कुछ सवाल तो है, कुछ चीज़ों को लेकर तो शंका है। अगर आप में से कुछ कोई पूछना चाहे तो यू मे प्लीज, अदरवाइज लेट मी हैव लीव ऑफ यू।
एनी क्वेश्चन पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन है हेलो हाँ प्लीज यस हाँ सर सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आपने जो एक मुद्दा डिस्कस किया था कि अभी एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो सबको कंपलसरी हो जाएगा. एक्चुअली सर आपका आवाज़ नहीं आया था मुझे, तो मुझे वो पूछना था थोड़ा. अभी आप तो सुन पा रहे हैं ना आप। हाँ अभी सुन पा रही हूँ. मैंने शुरू में एक बात कही थी, इस पॉलिसी का एक एक वन लाइनर गोल है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को डीकोलोनाइज करना, उसको इंडियन बनाना, इंडियन बनाना। अच्छा अब हमारी इंडियनेस कहाँ है? हमारे लैंग्वेज में है, हमारी कल्चर में है। लेकिन हुआ क्या, पिछले 200 सालों में हमारे इंडियन लैंग्वेज सेकंड सीट पे गई और इंग्लिश सामने आई, है ना? इंग्लिश सामने आई। और साथ ही हम पुराने लैंग्वेज में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अहमियत किस भाषा को दी गई थी, संस्कृत को। और आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि संस्कृत है, देव भाषा है, ज्ञान भाषा है ना? तो अगर हमें हमारा एंशियंट नॉलेज रिवाइव करना है, रिवाइव उसको रिन्यू करना है, उसको और एक बार हमें शिक्षा मिलाना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए ये पॉलिसी चाहती है कि हर एक यूनिवर्सिटीज में संस्कृत डिपार्टमेंट हो, संस्कृत डिपार्टमेंट हो। साथ ही साथ देर शुड बी अ डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। एट द सेम टाइम देर शुड बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ताकि हम अपना पास्ट हम उसको समझ सके, जान सके। वन मोर थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंपल्सरी। आई टोल्ड यू दैट संस्कृत डिपार्टमेंट विल बी अवेलेबल इन एवरी यूनिवर्सिटी। मैडम, हमारे देश में किसी भी चीज को हम कंपल्सरी नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली लैंग्वेज के बारे में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंदी को अब तक साउथ में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में। एंड रिमेम्बर, एक बात को आप लोग समझ लीजिए, भारत में कोई भी एक भाषा, कोई भी एक भाषा सारे लोगों को एक्सेप्टेबल कभी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि हिंदी बहुत सारे लोग जानते समझते हैं नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में हालात अलग है। एंड एक बात आपको भी मालूम होगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली देर इज नो राष्ट्रभाषा एट ऑल। आप कोई भी रिकॉर्ड जाके चेक कर लेना, किसी भी भाषा का मतलब उल्लेख, मेंशन एज राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वी आर अ मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड वी कैनॉट इम्पोज एनी लैंग्वेज ऑन ऑल द पीपल हियर। तो मैडम, ये कंपल्सरी नहीं होगा, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खुलेगा, जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत का ज्ञान लेना चाहते हैं। हमारा जो भी ज्ञान संस्कृत भाषा में पढ़ा है, अब क्यों पढ़ा है, उसका उत्तर मैं अलग दिशा से दे सकता हूँ। हम लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि कॉमन पीपल, हम जिसको कहेंगे आम आदमी, वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी संस्कृत। हम जानते हैं हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस प्रकार का था कि आम लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ने की परमिशन या अनुमति नहीं थी, बल्कि उनको शिक्षा दी जाती थी, दंडित किया जाता था। इसलिए हुआ ये कि संस्कृत भाषा सिर्फ कुछ लोगों की बन के रह गई, और मीनवाइल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया कि वो पीढ़ी खत्म हो गई और हमारा नॉलेज यूं कि त्यों वहां पड़ा है। अगर उसको खोल के देखना है तो हमें उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के लिए हमें शिक्षा के प्रावधान करना पड़ेगा। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी में अब ये दो तीन डिपार्टमेंट खुलेंगे, जिसके तहत संस्कृत भाषा पे भी काम होगा, हमारे अदर एशियंट लैंग्वेज पे भी काम होगा, तमिल पे भी काम होगा, पाली पे भी होगा, अर्धनागरी पे भी होगा, और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे उस पर भी काम होगा। और साथ ही साथ, जैसे कि मैंने अंत में कहा था कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन इज गोइंग टू देयर, ताकि एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा में ले जा सके। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन मैम। आई होप आई आंसर्ड यू। थैंक यू वेरी मच सर. अब ये सवाल था कि सवाल के लिए सवाल था? यस सर।
सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था कि 2008 से लेके 10 तक बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई, जैसे इम्फाल मणिपाल यूनिवर्सिटी, तिलक महा बिल्कुल सर, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो इनको गए। इनको हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ एकदम से बंद हो गई, यानी और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी के 50 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। तो सर ओके, ऐसा क्यों हो गया है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने इंडिया की थी, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थी, जो डिस्टेंस में चला रहे थे, तो ऐसा क्यों, इनको बंद क्यों कर दिया गया, जैसे एक स्टेट में उनको रिस्ट्रिक्ट कर अब मैं दिया गया। आपके सवाल का जवाब 3 हिस्सों में दूंगा। आज भी हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने मेरे स्लाइड में भी था, जस्ट लेट मी चेक इट, 1 मिनट, जस्ट लेट मी चेक इट, एक मुझे फिगर एग्जैक्टली मुझे आपको बताना है। यस सर, आज भी हमारे पास 16 ओपन यूनिवर्सिटीज है, 16, एक सेंटर का इग्नू वाला, 14 अलग अलग स्टेट में है, और एक प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, प्लीज रिमेम्बर। अब दूसरी बात आ गई डिस्टेंस की। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेस डिस्टेंस मोड में भी चलाती थी। ओपन यूनिवर्सिटीज अलग बात है, प्लीज रिमेम्बर, वो यूनिवर्सिटीज उनके अपने कोर्सेस है, उनके सेंटर है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज, अब मैं जहाँ तक मैं SNDT को जानता हूँ, SNDT यूनिवर्सिटी, आप शायद वहीं से होंगे, तो हाँ SNDT का एक अपना डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके तहत उनके पूरे महाराष्ट्र में सेंटर है और वो अपना कोर्सेज चलाते हैं। अब हो चुका था ये मीनव्हाइल 2006 से 2009 के बीच, एक UGC ने सेकंड अमेंडमेंट लाया था टीचर के अपॉइंटमेंट को लेकर, आपको याद होगा ना, जिसके हाँ तहत MPL और PhD वालों को रियायत दी गई थी, आपको याद है ना। हाँ सर, हाँ सर, उस दौरान इतनी रेगुलेटरी वहां हो गई, अब आसान भाषा में इतने घपले हो गए वहां, बहुत मैल प्रैक्टिस हो गए, तो फिर यूनिवर्सिटी UGC को उसको लेकर कुछ नियम बनाने पड़े। उनका DEC नाम का एक उनका ब्यूरो था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल उनका एक ब्यूरो था, उन ब्यूरो ने कुछ नियम बनाए, कुछ मानक बनाए, और जो जो यूनिवर्सिटीज उस मानकों को पूरा करती थी उनके डिस्टेंस एजुकेशन के डिपार्टमेंट चालू है, और जिस यूनिवर्सिटीज के ये मानक पूरे नहीं करते थे उनको बंद किया गया। अब लेट मी टेल यू, अब हमारे महाराष्ट्र में पुणे सबसे बड़े पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, लेकिन पुणे में डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, मुंबई का है, लेट मी टेल यू, मुंबई में है, अच्छा कोल्हापुर में है, और SNDT में ही, नांदेड़ का थोड़ा सा ठीक है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में सर, लेट मी टेल, नागपुर में भी नहीं है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी अस्तित्व में नहीं है। अब ये पॉलिसी कहती है आपको परमिशन दी जाएगी, हर एक यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, अगर वो उनके रूलों को, उनके मानक को पूरा करती है। तो एक बात, अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का। फिर इसमें दो बातें हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अब यूक्रेन वॉर के दरमियान तो हमें बहुत सारी चीजें पहली बार हमारे सामने आई। डाटा ये कहता है कि हमारे एवरी ईयर हमारे 8 लाख बच्चे बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं, 8 लाख, नॉट स्मॉल फिगर, प्लीज रिमेम्बर। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो यहाँ की कितनी सारी करेंसी लेके जाते हैं, पैसा भी तो हो जाता है, यूनिवर्सिटी में फीस सस्ती तो नहीं होगी ना, लाखों में पैसा भी जाता है। और तीसरी बात जिसको इस पॉलिसी ने समझा है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे वापस नहीं आते, वहीं रह जाते हैं, मतलब जिनको बड़ा बनाने में यहाँ का सिस्टम खर्च हो जाता है, अपने यहाँ के बैंकों से वो एजुकेशन लोन लेते हैं, शिक्षा पा लेते हैं और वहीं रह जाते हैं, इंडिया को वापस नहीं आते, तो उनका ज्ञान का फायदा हमें नहीं होता।
तो ये पॉलिसी ये कहती है कि हम ऐसा क्यों ना करें, या तो हम अपने स्टैंडर्ड इस प्रकार बनाए कि वो इंटरनेशनल लेवल के हो, या फिर दूसरा एक रास्ता कि हम कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ बुलाते हैं, जो टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको बुलाते हैं, उनको यहाँ कैंपस खोलने की हम आज़ादी देंगे, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कम्प्लीट करेंगे, उनको हमारे रूल मानने पड़ेंगे और वो यहाँ के पढ़ाएंगे, जिसके तहत कम से कम हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, जो भी पैसा खर्च करेंगे वो यहाँ करेंगे और यहाँ सेटल होंगे, ये पॉलिसी का मंशा है। अब बताइए। और सर एक और क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर, एक और क्वेश्चन था जो अभी अपना स्कॉलरशिप सिस्टम है, अभी तो स्टेट स्कॉलरशिप देता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और सिस्टम आया है, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडीज योजना, तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या रहेगा सर? केंद्रीय क्षेत्र ब्याज, हाँ ब्याज सब्सिडीज योजना। सर सर स्कॉलरशिप अलग चीज है और एजुकेशन लोन अलग चीज है। नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही मुद्दा है सर कि ब्याज सब्सिडीज योजना एक चालू किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, और अब एक और चीज, बोलिए सर, बोलिए, कथा शायद खत्म नहीं हुआ, ऑडिबल हूँ ना। अब स्कॉलरशिप देना ये वेलफेयर स्कीम है सर, जो हमारे पिछड़े वर्ग से जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, फाइनेंशियली एंड सोशली जो बैकवर्ड होते हैं ना, उनको हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अब स्कॉलरशिप में दो चीजें होती है सर, ट्यूशन फीस एंड अदर मेंटर्स अलाउंसेस, है ना। अब स्कॉलरशिप पिछड़े लोगों को देगी, लेकिन जैसे कि आपने कहा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ गए हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों को हम बैंकों से ऋण मिलेगा, है ना, और उसका जो भी ब्याज है इंटरेस्ट है उसमें कुछ सब्सिडी दी जाएगी, एक बात है। लेकिन इससे आगे जाके ये पॉलिसी बात करती है कि सर एक बात को समझ लीजिए, प्लीज रिमेम्बर, हमारी गवर्नमेंट इतना बड़ा लोड ना सेंटर ना स्टेट नहीं सह पाते, प्लीज रिमेम्बर नहीं सह पाते, हमें प्राइवेट पार्टनर को लेना ही लेना है, मैं इसको तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ कुछ डार्क साइड आई नो, आप भी जानते मैं भी जानता, लेकिन अब इनको लिए बिना बात नहीं बनेगी, इतने सारे आबादी को हम उच्च शिक्षा में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अब जैसे कि मैंने कहा 446 आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या सिर्फ 422 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कितनी है 446, ज्यादा बढ़ चुका है, और ये पॉलिसी कहती है कि आने वाले समय में हम इनको ज्यादा उनको पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ ये पॉलिसी ये भी अपेक्षा रखती है इन लोगों से, कारपोरेट हाउसेस से, इंडस्ट्री वालों से, प्राइवेट पार्टनर से, कि आप भी कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोवाइड करें। अब ये सर ये पॉलिसी है, प्लीज रिमेम्बर ये पॉलिसी है, ये रूल नहीं है, एक बात को हमें समझना पड़ेगा, इसमें से सारे की सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अभी प्राइवेट वाले किस हद तक इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट की मानेंगे, हम नहीं कह सकते। जब तक इस इश्यू को लेकर कोई इंडिपेंडेंट सर्कुलर नहीं आता, जैसे कि हमने कहा अभी एबीसी का सर्कुलर आ चुका है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे काम करेगा इसका आ चुका है, सीबीसीएस का आ चुका है, ऑनलाइन कोर्सेस का आ चुका है, और आपने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क आ चुका है, जब तक इस पर कोई इंडिपेंडेंट सर्कुलर नहीं आएगा यूजीसी का, फिर वो सोच के बनाएंगे ना सर्कुलर, तब तक इसकी दिशा में किस प्रकार उसका काम होगा आज नहीं कह सकते। लेकिन इस बात को भी सर हमें समझना पड़ेगा, सारे के सारे कारपोरेट हाउसेस सर बुरे नहीं होते, एक बात भी समझिए। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, पहले मुझे इसको कदम करने दीजिए, हमारे इंडिया के सिर्फ एक इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 250 में है, आई रिपीट, दुनिया की टॉप 1000
रैंकिंग आ जाती है। पहले 250 में सिर्फ हिंदुस्तान का एक इंस्टीट्यूट है, व्हाट इज दैट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का। लेट मी टेल यू सर, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय टाटा हाउस। अभी भी उसकी बहुत सारी फंडिंग टाटा करता है, टाटा तो कॉर्पोरेट हाउस है। अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये इसके रूल कैसे बनाते हैं, मानक कैसे बनाते हैं, जिसके तहत अगर मान लीजिए कि रिलायंस की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है, हालांकि उसका कुछ पिछले बार कुछ बात हो गई थी, अगर आ रही है तो गवर्नमेंट को ये रूल बनाने पड़ेगी कि आपको फीस स्ट्रक्चर इतना रखना पड़ेगा, आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, आपको फेलोशिप देनी पड़ेगी। ये रूल किस प्रकार आते हैं इस पर डिपेंड होता है सर। आज ये पॉलिसी में एक पैराग्राफ पे इसको निपटा दिया है, एक पैराग्राफ में प्राइवेट पार्टनर को फिलोथ्रॉफी बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, उनका काम करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे उसके डिटेल गाइडलाइन जब तक नहीं आते ना, तब तक ये थोड़ा सा अभी हवा में है। लेकिन लेट अस होप, देयर आर सम, अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में तो आपने सुना है, बहुत सारे फेलोशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों को मॉडल रख के कुछ गाइडलाइन बनेंगे, कुछ रूल बनेंगे, और उसके तहत जो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है कॉर्पोरेट हाउस, उसको काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। और एक बात मैं आपको, शायद आपको मालूम होगा, हर एक कॉर्पोरेट हाउस को CSR के हेड पे उनके प्रॉफिट का 2% सोशल वर्क में लगाना ही पड़ता है, अगर आप जानते होंगे। अब हो सकता है कि वो जो 2% CSR है वो फेलोशिप या स्कॉलरशिप में जाएगा, ऐसा हो सकता है। दिस इज माई पर्सनल परसेप्शन राइट नाउ, अभी मेरी अपेक्षा ये है, लेकिन उसका रूल क्या है ये इंडिपेंडेंट सर्कुलर में सारी चीजें होगी। एंड आई होप ये जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही हो। चलो, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। I now request Mrs. Amrin Naz madam to kindly propose formal vote of thanks. Amrin sir, Amrin ma'am hai na, Naz ma'am Bihar se hai shayad. Ji 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 sir, yes. First of all, I would like to thank Priti ma'am for giving me this opportunity to deliver. Ma'am, camera to open kijiye. Madam, camera to open kijiye. Wait a minute. हाँ। I extend my sincere thanks to our eminent resource person, Dr. R.T. Bedre sir, who explained very nicely about NEP 2022, its goal and challenges. The sir has explained that first, this is the exactly the first Indian. Mute हो गई। Hello, sir. Yes sir, इसलिए ना video off रखते हैं क्योंकि bandwidth का issue आता है। सर हैज ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट वेरियस गोल ऑफ NEP 2020 विच इंक्लूड्स इंक्रीजिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो from 27.3 to 50%. Education in local language should be promoted. He also discussed that the major goal will be that scholarship should be provided by private and philanthropist. He also discussed that the goal should be encouraging private institution with high public commitment. Sir further explained that NEP will focus on teacher education, use of technology, mentoring, and retired faculty should be engaged, and constitution of NRF. Sir has also discussed about various challenges which will be faced while implementing. All the participants who are patiently listening and for listening the research, and thank you sir once again. Thank you sir. Thank you Ananda, thank you very much. Thank you so much sir. Thank you, and grateful to HRDC Nagpur. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you. Hello, I thank you. Thank you. Yes sir, thank you all the participant. You can proceed for your lunch break. Our next session will start at 1:30. Thank you all of you. Thank you, ma'am.